फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बेस्ट क्वालिटी और हाई प्रेशर वाला कंप्रेस्ड एयर डस्टर, जो कि आता है अगारो कंपनी की साइड से, जिसका मॉडल नंबर है AD1719, जिसके साथ में फ्रेंड्स टू स्पीड सेटिंग मिलती है, 100% की कॉपर मोटर देखने को मिल जाती है। ये ब्लोअर फ्रेंड्स पोर्टेबल और लाइट वेट है। इसके साथ में आपको एक साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एयर ब्लोअर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शन है, इसको कहां कहां पे और कैसे इसको यूज कर सकते हैं और इसके साथ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं इसकी पैकिंग दी गई है, तो यहां पे आप देखेंगे इसके साथ में एसेसरीज वगैरह की डिटेल दी गई है और ऊपर की साइड में यहां पे देखेंगे तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है। जैसे कि अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो ये 500 वाट कंज्यूम करेगा, अगर आप इसको लो स्पीड पे चलाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं 260 वाट ही ये लेने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ही सिंपल ओपनिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बॉक्स को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पे हमें अगारो ब्रांड का जो कंप्रेस्ड एयर डस्टर है उसका यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ इसके साथ में देखने को मिलता है, सारी जानकारी इसके साथ में यानी कि दी गई है। इसका वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका खरीदने का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डायरेक्ट इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस एयर डस्टर के साथ में हमें काफी कुछ देखने को मिलता है, यानी कि इसकी अटैचमेंट हमें काफी सारी मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस अटैचमेंट की बात करते हैं, तो ये है फ्लैट नोजल और ब्रश के साथ में आती है। अगर आप इसको ब्रश के साथ में यूज करना चाहते हैं तो ब्रश के साथ में भी यूज कर सकते हैं, अगर हटाना चाहते हैं तो आप इसको बैक साइड करके हटा भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक नोजल इसके साथ में मिलती है और एक ये राउंड नोजल मिलती है हाई प्रेशर के लिए। मान लीजिए आपको प्रेशर ज्यादा बनाना है तो आप ये वाली नोजल लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेटर दिए गए हैं अलग अलग नोजल लगाने के लिए, ये इसका एक कपलिंग डिवाइस है जिसको हम इन्फ्लेटेबल हेड बोलते हैं, तो ये भी इसके साथ में ही दिया गया है। और तीन अलग अलग नोजल दी गई है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए बैलून वगैरह फुलाना है या फिर हमें जो बाथ टब आता है रबर का, बच्चों के लिए आता है, बड़ों के लिए आता है, उनको फुलाना है तो आप इनकी मदद से उनको फुला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो एक्स्ट्रा, एक तो इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, दो एक्स्ट्रा सक्शन फिल्टर दिए गए हैं जो कि इसके अंदर मिट्टी जाने से रोकेगा। फाइनली जो हमारा एयर डस्टर है ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है अगारो कंपनी की। इसका जो लुक है वो काफी प्रीमियम लुक दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ की साइड में देखेंगे तो इसकी सारी की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसे कि अगारो कंपनी का है, कंप्रेस्ड एयर डस्टर है, इसका मॉडल नंबर है, पावर वाटेज में दी गई है, जैसे कि आप इसको मैक्सिमम पावर कितने वाट पे चला सकते हैं, और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है। इसके नीचे की साइड में यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, अगर आप इसको बीच में रखते हैं तो ये बंद रहेगा, अगर आप इसको नीचे की साइड में कर देते हैं तो ये मिनिमम स्पीड पे चलेगा, और ऊपर की साइड में डबल करके प्रेस कर देते हैं तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड में चलने वाला है। इसके बैक साइड में यहाँ पे देखेंगे तो इसका सक्शन फिल्टर दिया गया है, इसके सक्शन फिल्टर को आप इस तरह से लगा के अगर खराब हो जाता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर मिट्टी ज्यादा हो जाती है तो आप इसको क्लीन करके वापस से इसके अंदर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ में ये 3 मीटर की आपको केबल मिल जाती है और 2 पिन टॉप इसके साथ में देखने को मिल जाता है। और यहां पे ये आप देखेंगे तो ये है इसका डिस्चार्ज, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं इसका हेड कैसे लगाना है। जैसे कि आप इसकी जो ये पिन दी गई है, इस पिन को क्या करना है, इस अनलॉक वाली साइड में इसको रखना है इस तरह से, और प्रेस करके इसको इस तरह से राउंड अप कर देना है, यानी कि ये लॉक हो जाएगा, अभी निकलेगा नहीं ये, ठीक है। तो ये अभी रेडी हो जाता है, इसके आगे आप कोई भी नोजल लगा सकते हैं, जैसे हाई प्रेशर की चाहिए तो आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए तो ये हाई प्रेशर वाली हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको चला के भी दिखाएंगे, आपको यूज करके भी दिखाने वाले हैं। अगर आपको इससे कहीं पे एयर यानी कि हवा वगैरह डालनी है तो इनमें से एक नोजल को आप इस तरह से लगा दीजिए तो ये वाली नोजल यूज हो जाएगी। अगर आपको ये वाली नोजल यूज नहीं करनी है तो आप ये वाली नोजल यूज कर सकते हैं, अगर आपको दूसरी नोजल यूज करनी है तो आप दूसरी नोजल भी यूज कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, बड़े ही आराम से आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये फ्लैट वाली नोजल लगानी है, ब्रश वाली नोजल लगानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये हेड है इसको ओपन करके वापस से निकालना पड़ेगा और इसको डायरेक्टली इसके अंदर लगाना है, तो ये लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको यूज करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस एयर डस्टर को यूज करने के लिए यहाँ पे हमने अलग अलग सैंपल यूज किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ हमने यहाँ पे बैलून लिए हैं। क्या ये एयर डस्टर इन बैलून को फुला पाएगा या नहीं फुला पाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक हमने कीबोर्ड लिया है जो कि बहुत ज्यादा डस्ट के अंदर फंसा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मदरबोर्ड भी लिया है जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा डस्ट फंसी हुई है। इसको भी हम इसके साथ में क्लीन करके देखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमने बाथ टब लिया है। क्या ये इन सब को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, यानी कि इनको क्लीन कर पाएगा, इसके अंदर एयर भर पाएगा और बैलून को फुला पाएगा या नहीं फुलाने वाला है, ये देखने वाले हैं। इससे इसकी पावर का भी पता लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन बैलून को फुलाना। तो यहाँ पे हमने ये वाली पतली वाली जो नोजल है इसको लगा लिया है और इसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही चंद ही सेकंडों में इसने एक बड़ा सा बैलून फुला दिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं, दूसरे को देखते हैं। सेकंड तो लगती नहीं है, फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये बैलून को फुला पा रहा है। अगर आप कहीं पे पार्टी, बर्थडे पार्टी वगैरह मना रहे हैं और वहां पे बैलून फुलाना है, तो ये ब्लोअर आपके बहुत ही काम आने वाला है। बैलून को हम साइड में रखते हैं। अभी हम देखते हैं जो हमारा ये कीबोर्ड है इसको क्लीन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम मदरबोर्ड को और इनको साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको कम स्पीड पे चलाएं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये कम स्पीड पे चल रहा है, अभी ये बंद हो गया है और अभी ये हाई स्पीड पे चलना लग गया है। तो हम इसको डायरेक्ट हाई स्पीड पे ही चलाकर देखने वाले हैं। क्लीन करके आपको दिखाया है इस ब्लोअर की मदद से। अभी हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका एक सर्किट ही होता है और उस सर्किट के ऊपर यहां पे आप देखेंगे तो हमने काफी सारी डस्ट इसके अंदर डाल रखी है। तो इसको भी हम क्लीन करके देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंदर भी फंसी हुई है डस्ट वगैरह और प्रोसेसर के अंदर भी डस्ट गई हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा मदरबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल ही डस्ट इसके अंदर नहीं रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी फंसी हुई थी और इसके अंदर यहाँ पर भी फंसी हुई थी डस्ट, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी। तो ये तो हो गया है फ्रेंड्स क्लीन। इन तीनों को तो हमने चेक करके देख लिया है। अभी बारी आती है इसकी, जो ये बाथ टब होता है रबर का है, जैसे कि बच्चों का है ये, ठीक है। इस बाथ टब को हम फुला कर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है बाथ टब। अभी इसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर हवा होती तो ये इस तरह से कंप्रेस नहीं हो पाता। अभी हमें इसके अंदर हवा भरनी है। हवा भरने के लिए फ्रेंड्स, जो बाथ टब होता है उनके अंदर इस तरह से नोजल दी गई है, यानी कि वाल्व दी गई होती है जो कि NRV टाइप होती है। इसके अंदर तीन सेक्शन तो ये ऊपर वाल के ऊपर बने हुए हैं और एक सेक्शन इसके जो ग्राउंड लेवल होता है, इसका नीचे का जो बॉटम होता है उस एरिया में बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एयर डस्टर है उसके अंदर इस तरह से ये वाली नोजल लगा लेनी है। अगर आपकी जो ये बाथ टब की जो वाल्व है वो मोटी है तो आप ये वाला लगा सकते हैं, उससे भी मोटी है तो ये वाली, अगर छोटी है तो आप ये वाली नोजल लगा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारे पास ये छोटा बाथ टब है और ये वाली नोजल हम इसके अंदर लगा रहे हैं, और लगाने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे लगाना है। जैसे कि ये बाथ टब है, इसकी ये नोजल इस तरह से ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद ये यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो जाएगी और इसको ऑन कर देना है। तो फ्रेंड, जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक में हमने यहाँ पे ऊपर की साइड में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हवा भर सकते हैं। तो जो ऊपर की वाल थी इसको हमने फिल कर लिया है। अभी ये दो बची हुई हैं, इनको भी हम फिल कर लेते हैं और इसका जो बॉटम है इसको भी हम हवा से भर लेते हैं।
जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बाथ टब के अंदर हमने अच्छे से फिल कर ली है हवा। तो यहाँ पे बॉटम की साइड में ये छोटे छोटे एयर के बबल्स आ गए हैं, इसी हवा से होती है, ठीक है। और इसकी जो तीन सेक्शन थे इनको भी हमने अच्छे से हवा को फिल कर लिया है। तो अभी आपने देख लिया होगा कि इस एयर कंप्रेस जो कंप्रेस्ड एयर ब्लोअर है इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप एक हाई प्रेशर वाला ब्लोअर लेना चाहते हैं, एयर डस्टर लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अगारो कंपनी का ये वाला एयर डस्टर जरूर लीजिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपके सारे काम आसानी से कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला ब्लोअर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।